कि सबके लिए वो निष्पक्ष रहे, चुनाव आयोग किसी पक्ष का ना होना चाहिए। हमें ये बात इसलिए कहना पड़ते है कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि आचार संहिता, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं हम लोग, जो चुनाव ऐलान होने के बाद देश में चालू हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, उस समय आम वोटरों को लुभाने के लिए आज सत्तारूढ़ पार्टी और खासकर देश की प्रधानमंत्री कभी कभी इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठा पाते हैं, पहले ऐसा देखा गया। तो मेरे कहने की मतलब यही है कि हिंदुस्तान के आम लोग निडर होकर निश्चित तरीके से भयभीत ना होकर चुनाव में शामिल हो। सत्तारूढ़ पार्टी, क्योंकि उनके पास सरकार है, बरगलाने के लिए, आम वोटरों को बरगलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इस समय जो हमारे चुनाव आयोग है, उनका विचार, उनका तराजू सबके लिए समान होना चाहिए। और इसके साथ साथ आम लोगों के बीच ईवीएम की मसला आम लोगों को अगले चुनाव में निष्पक्ष वोट होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल खड़ा कर देते हैं। तो ईवीएम की जो मुद्दा है, ईवीएम और वीवीपैट इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए कि लोगों के मन में कभी शंका ना पैदा हो कि मेरा वोट, मेरा मन का माफिक हुआ या नहीं, कि सबके लिए वो निष्पक्ष रहे, चुनाव आयोग किसी पक्ष का ना होना चाहिए। हमें ये बात इसलिए कहना पड़ते है कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि आचार संहिता, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं हम लोग, जो चुनाव ऐलान होने के बाद देश में चालू हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, उस समय आम वोटरों को लुभाने के लिए आज सत्तारूढ़ पार्टी और खासकर देश की प्रधानमंत्री कभी कभी इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठा पाते हैं, पहले ऐसा देखा गया। तो मेरे कहने की मतलब यही है कि हिंदुस्तान के आम लोग निडर होकर निश्चित तरीके से भयभीत ना होकर चुनाव में शामिल हो। सत्तारूढ़ पार्टी, क्योंकि उनके पास सरकार है, बरगलाने के लिए, आम वोटरों को बरगलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इस समय जो हमारे चुनाव आयोग है, उनका विचार, उनका तराजू सबके लिए समान होना चाहिए। और इसके साथ साथ आम लोगों के बीच ईवीएम की मसला आम लोगों को अगले चुनाव में निष्पक्ष वोट होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल खड़ा कर देते हैं। तो ईवीएम की जो मुद्दा है, ईवीएम और वीवीपैट
इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए कि लोगों के मन में कभी शंका ना पैदा हो कि मेरा वोट मेरा मन का माफिक हुआ या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।